नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। सीबीसी न्यूज का उदयपुर पोस्ट। आज हम उदयपुर पोस्ट में जो खबरें बताने जा रहे हैं वो खबरें इस प्रकार हैं। सादगी से मनाया जाएगा सगजी बाबूजी का जन्मोत्सव, मंदिर में प्रवेश रहेगा निषेध। शिव पार्वती को भोग लगा मनाई तीज, चौथे सोमवार विदेशी फूलों से सजेंगे महादेव। नागदा ब्राह्मण समाज सोलाखेड़ा ने कलेक्टर से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। कोरोना इफेक्ट के कारण मान्यता के लिए सीबीएसई इस बार नहीं करेगा स्कूलों में निरीक्षण। और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आयुक्त चाहते हैं गुलाब बाग में प्रवेश शुल्क लगाना, लेकिन डिप्टी मेयर ने कहा कि वहां देखने जैसा क्या है जो हम टिकट लें। उससे पहले आइए कुछ अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। सर्वऋतु विलास स्थित सगजी बाबूजी का जन्मोत्सव 24 जुलाई को सादगीपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया। कोविड-19 से जिला प्रशासन की सख्त हिदायत के चलते मंदिर में प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा। कोई भी मंदिर परिसर में आएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुजारी एवं भक्त मंडल ने दर्शनार्थियों से मंदिर परिसर तक नहीं आने एवं घर पर ही रहकर सोशल मीडिया से दर्शन लाभ लेकर सगजी बाबूजी से कोविड महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने का अनुरोध किया है। जानकारी धर्मनारायण और प्रकाश दशोरा पुजारी एवं सगजी बाबूजी भक्त मंडल सर्वऋतु विलास ने दी। इधर श्री सगजी कल्याण शक्तिपीठ जो पोल मंडी की नाल पर 1008 श्री सरदार सिंह का जन्मोत्सव शुक्रवार को मनाया जाएगा। इससे पूर्व गुरुवार रात सगजी बाबूजी को विशेष शाही श्रृंगार धराया गया। शुक्रवार को जन्मोत्सव दर्शन सुबह 4:45 पर, दीप प्रज्वलन सुबह 10:15, शक्ति पूजन 10:30 पर होगा। कोरोना काल के चलते सावन के तीन सोमवार महादेव के मंदिरों में सावन की शाही सवारी से लेकर हर कार्यक्रम बिना भक्तों के चहल पहल के ही संपन्न हुए। फतहसागर के पास नीलकंठ महादेव मंदिर पर सावन के चौथे सोमवार 27 जुलाई को विभिन्न प्रकार के फूलों की सजावट के साथ 1,25,000 महामृत्युंजय मंत्र का पाठ होगा। आयोजक लव श्रीमाली ने बताया कि सोमवार को मंदिर पर कोरोना से मुक्ति और विश्व शांति की कामना के लिए सुबह 6:00 महायज्ञ किया जाएगा। नीलकंठ महादेव मंदिर को इस दिन हॉलैंड और कोलंबिया से मंगवाए गए विशेष फूलों से सजाया जाएगा। सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। हरियाली तीज गुरुवार को मनाई गई। तीज पर महिलाएं एकत्रित होकर मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन इस बार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए महिलाओं ने घर पर रहकर ही शिव पार्वती की पूजा की। इसके साथ ही महिलाओं ने भोग के लिए घर पर ही पकवान तैयार किए, हाथों पर मेहंदी भी लगाई, घर पर रहकर पूजा की। पूजा के बाद एक साथ तीज त्यौहार मनाया, भजन कीर्तन किए गए और सावन के गीत गाकर त्यौहार मनाया गया। सुखेर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणों का गुड़ा में 3 जुलाई को घर में घुसकर तोड़फोड़ और युवती से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी लक्ष्मण सिंह झाला की गिरफ्तारी की मांग पर नागदा ब्राह्मण समाज सोलाखेड़ा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि संगठन के सदस्य दुर्गेश जोशी के परिवार के सदस्यों ने घर में 30-40 लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ अभद्रता की। इसमें आरोपी लक्ष्मण सिंह झाला की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस संबंध में कार्यवाही की मांग की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इस बार स्कूलों की मान्यता देने के लिए होने वाले इंस्पेक्शन को नहीं करने का फैसला लिया है। कोरोना के कारण स्कूल और क्लासेस बंद होने से निरीक्षण कर पाना बोर्ड के लिए संभव नहीं होगा। बोर्ड हर साल नए स्कूलों को मान्यता देने और हर 5 साल में पुराने स्कूलों को मान्यता विस्तार एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन देने के लिए निरीक्षण करता है। यह हर स्कूल के लिए अनिवार्य होता है। सीबीएसई कोऑर्डिनेटर और सेंट एंथनी स्कूल के प्रिंसिपल विलियम डिसूजा ने बताया कि अफिलिएशन बायलॉज 2018 के मुताबिक बोर्ड विस्तार के समय या संबंधता से संबंधित किसी भी स्कूल का निरीक्षण कर सकता है। स्कूलों की तरफ से उपलब्ध कराए आंकड़ों, दस्तावेजों, सूचना की वास्तविकता का सत्यापन बोर्ड को करना होता है। स्कूलों को आवेदन पत्र में बताई कमी का अनुपालन करना होता है। इसके बाद बोर्ड को निर्धारित अवधि में स्कूल का निरीक्षण करना होता है। कोरोना के कारण मार्च से एफिलिएशन की यह प्रक्रिया अटकी हुई है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। नगर निगम के मौजूदा बोर्ड की प्रशासनिक समिति की गुरुवार को मेयर जीएस टाक की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में आयुक्त कमर चौधरी ने गुलाबबाग में प्रवेश शुल्क लगाने का सुझाव रखा, लेकिन डिप्टी मेयर पारस सिंघवी के इसे अभी अव्यवहारिक बताने से निर्णय नहीं हो पाया। डिप्टी मेयर सिंघवी ने कहा कि गुलाबबाग में अभी देखने लायक कुछ भी नहीं है कि हम जनता से प्रवेश शुल्क ले सकें। यहां पहले बच्चों की ट्रेन और बर्ड पार्क शुरू हो जाए, फिर इस पर विचार किया जा सकता है। आयुक्त ने शहर में स्टार होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों के प्रति बुकिंग यात्री कर वसूलने, शहर में आए दिन केबल डालने वाली टेलीकॉम कंपनियों से रोड कटिंग फीस के अलावा भी शुल्क वसूलने का सुझाव दिया, जिसका सभी ने समर्थन किया। भूपट्टी आवंटन, खाली भूखंडों की नीलामी, सामुदायिक भवनों का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चलाने पर भी चर्चा हुई। पार्षद अरुण टाक ने सुखाड़िया सर्कल सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर ठेलों के नाम पर बढ़ती अस्थायी अतिक्रमण पर कहा कि पर्यटन स्थलों पर तो ठेलों की बाढ़ आ रही है, खूबसूरती तो इसी के कारण खराब हो रही है।
भवन अनुमति समिति अध्यक्ष आशीष कोठारी और कुछ सदस्यों ने कहा कि निगम में नामांतरण के नाम पर लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि यूआईटी में नामांतरण आसानी से हो रहे हैं। आयुक्त ने कहा कि अब यदि किसी फाइल में कमी नहीं है तो फाइल 21 दिन से ज्यादा निगम में पेंडिंग नहीं रहेगी। उदयपुर पोस्ट में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।